दुर्ग पुलिस टीम ने कुम्हारी में सामूहिक हत्याकांड में सनसनीखेज खुलासा किया है। पुलिस ने बताया कि बड़े भाई की संपन्नता और महिलाओं से अवैध संबंध से नाराज छोटे भाई ने हत्या की साजिश रची थी। दोस्तों के साथ मिलकर आरोपियों ने बड़े भाई, भाभी एवं बच्चों की हत्या की। मृतक के छोटे भाई किस्मत यादव ने अपने बड़े भाई के मित्र आकाश मांझी और टीकम दास के साथ मिलकर हत्या करना स्वीकार किया है। आरोपियों से मृतक के घर से लूटे गए सोने चांदी के जेवरात एवं नगदी 7,92,700 रुपए पुलिस ने बरामद कर लिया है। दो दिन पूर्व एक हत्याकांड हुआ जिसमें एक भोला राम यादव और उसकी पत्नी और दो बच्चों की निर्मम हत्या कर दी गई। ये हत्या रात में संभवतः 11 से 2 बजे के बीच में की गई। 7:30 बजे कोतवाल द्वारा जो है पुलिस थाने को सूचना दी गई कि एक व्यक्ति की डेड बॉडी गेट के पास पाया गया है। पुलिस फोर्स तुरंत 8:30 बजे वहाँ पहुँची। वहाँ पहुँचने के बाद मालूम चला कि 4 लोगों की हत्या हुई है। भोला यादव, उसकी पत्नी, 13 वर्ष का बिटिया और 8 वर्ष का बेटा। प्रथम दृष्टया देखने के बाद ये समझ में आ रहा था कि किसी नजदीकी व्यक्ति द्वारा ये हत्याकांड को अंजाम दिया गया है, क्योंकि आवाज लगा के जो मृतक को गेट तक बुलाया गया। मृतक नॉर्मली 8 बजे तक सो जाया करता था, तो 11 बजे के बाद गेट पर जाना दिखा रहा था कि कोई नजदीकी व्यक्ति है। घर के अंदर घुस के गेट के ऊपर दूसरी लाश थी और एक छोटे कमरे में जहाँ सामान रखा हुआ था वहाँ दो बच्चों की बचने की कोशिश में हत्या की बात सामने आ रही थी। तुरंत फॉरेंसिक टीम को बुलाया गया, साइबर टीम को बुलाया गया, फिंगरप्रिंट की टीम को बुलाया गया, डॉग स्क्वाड को बुलाया गया और पूरे सीन ऑफ क्राइम को तुरंत आइसोलेट कर दिया गया, सील कर दिया गया, जिससे बाहरी लोग अंदर आके उसको डैमेज ना कर पाए। अलमारी खुली हुई थी और चाबी से खुली हुई थी। चाबी मृतक के पॉकेट में रहता था, ये बात केवल परिवार वाले जानते थे। इससे हमारा शक और गहराया कि किसी परिवार वाले का इसमें हाथ हो सकता है। चाबी से खोला गया और लॉकर में हमेशा काफ़ी पैसे रहते थे, ये बात हमें मालूम चला। हमने आसपास पता किया कि कौन से लोग गांव से गायब हैं कुछ दिनों से, तो मालूम चला कि रात में 3:30 बजे, 2:30 से 3 बजे के बीच में आकाश करके एक लड़का जो बिल्कुल उनके घर के अपोजिट रहता था वो उड़ीसा की तरफ गया। फोन डिटेल्स खंगाले गए तो मृतक के भाई किस्मत यादव की लगातार फोन पे सुबह 5 बजे से आकाश के साथ फोन पे बात हो रही थी। एक टीम भेजा गया आकाश को रिकवर करने के लिए। किस्मत के घर की चेकिंग की गई, उसके घर में चेकिंग करने से एक छोटे से कमरे में दीवार के ऊपर कुछ खून के छींटे मालूम चले और 2 हथियार मिले। उन दोनों हथियार में धोया हुआ लग रहा था। उसमें केमिकल जांच किया तो उसके ऊपर ब्लड पाया गया और लेंथ से जांच की गई तो उसमें कुछ बाल और ब्रेन के कुछ टुकड़े वहां पे चिपके हुए मिले, जिसको डीएनए के लिए और एनालिसिस के लिए भेजा गया। हत्या का कारण जो घर पे 7,92,400 रुपए मिले हैं वो कारण हो सकता है। इनके फादर के डेथ के बाद जो है बंटवारा हुआ था, जो भाई था भोला राम उसको इम्पोर्टेंट, उसको अच्छा वाला पार्ट मिला था जिसमें कि साफ जमीन थी, घर था, वहाँ पे हमेशा कुछ लोगों का आना जाना रहता था, जबकि इसे बिल्कुल छोटा सा पार्ट अपोजिट साइड में मिला था। तो हमेशा इसको, ये जो भोला राम यादव है इसने खुद, इसके भाई ने माना कि इसको महीने का करीब 70,000 से 80,000 रुपये केवल खेती से आता था। हो सकता है खेती के साथ कुछ अवैध काम से भी आता हो, तो प्रॉपर्टी और पैसा जो है मुख्य कारण अभी तक प्रतीत हो। चारों बॉडी में 3 तरह के इंजरी मार्क मिले हैं, स्टैब इंजरी मार्क, क्रिस क्रॉस इंजरी मार्क जो कि टंगिया से हो सकते हैं और कुल्हाड़ी से आपका इंसिजन इंजरी मार्क, तो कहीं ना कहीं चॉप वुंड और 3 तरह के वुंड मिले हैं, चॉप वुंड, स्टैब वुंड और इंसाइज वुंड, जो दिखाता है कि तीनों लोगों ने चारों बॉडी को निर्ममता से मारा है। यहाँ पर आए थे, इसके पिताजी आए थे, ये लोग वहाँ पे खेती बाड़ी करते थे। जुआ के एक्ट में 2020 में इनके खिलाफ कार्रवाई दोनों भाइयों पे हुई है, मृतक और उसका भी जो भाई है किस्मत यादव जो पकड़ा गया एक्यूज है, तो कहीं ना कहीं ये लोग इलीगल कामों में रहते थे। गांव वालों से पता चला है कि ये लोग लड़कियों को भी यहाँ लाया करते थे इनके फार्म हाउसेज में और कुछ अनैतिक काम भी ऐसा किया करते थे। ये उड़ीसा जाके एक मोहिनी मंत्र वहाँ पे भवानीपट्टनम में ये करा करते थे, जिससे कि
मंत्र उच्चारण के बाद कोई भी लड़की उनके वश में आ जाती थी, ऐसा इनका मानना था। पहले भी ये 3-4 बार ये मोहिनी मंत्र कर चुके थे जिसमें इनको 15 से 16 हजार का खर्चा आता था। लेकिन पहले जब दारू पीने के लिए घटना दिन के दिन जमा हुए थे तीनों लोग, तो उसने छोटे भाई से जो एक्यूज है किस्मत से आकाश ने 16 हजार की मांग की थी, तो इसके द्वारा मना किया गया कि पैसा भैया के पास रहता है, मेरे पास इतना पैसा नहीं रहता। तो पैसा 16 हजार की मांग पे भी आपस में विवाद होने की संभावना। एक बात स्पष्ट है कि दोनों घटनास्थल पर आए, पहले पैसे की मांग की होंगे, नहीं देने पे जो है उकसाया गया होगा भाई द्वारा, उसकी हत्या जो है तीनों ने मिलकर